ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आप किस तकनीक का प्रयोग करके अपने छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसा डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, योग निद्रा थोड़ा सा टफ है। योग निद्रा क्या है? आपको कल्पना करना है कि धरती माता ने आपके शरीर को गोद में उठाया हुआ है। अब मन को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे सभी उंगलियों पर ले जाइए, कलाई, कोहनी, भुजा और कंधे पर ले जाइए। इसी तरह अपने मन को बाएं हाथ पर ले जाएं, दाहिने पेट, पेट के अंदर की आंतें, जिगर, अग्नाशय, दाएं और बाएं फेफड़े, हृदय और समस्त अंग स्थिर हो गए, ऐसी कल्पना कीजिए। और आखिर में अपने ध्यान को सांस पर ले आइए। एक तरीका हुआ। दूसरा है त्राटक से। त्राटक की मैं बहुत वीडियो डाल चुका हूँ। त्राटक क्रिया से भी इस छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देख सकें, आप देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, कुछ समय तक इसका अभ्यास कीजिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। फिर है ध्यान। दोनों भावों के बीच वाली जगह पर नियमित ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जो हमारे सिक्स्थ सेंस को बढ़ाता है। रोजाना 40 मिनट का ध्यान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम। हमारे यहाँ भावों के बीच में छठी इंद्रिय होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। यही छठी इंद्रिय है। आप अपने छठी इंद्रिय को प्राणायाम के माध्यम से 6 माह में जागृत कर सकते हैं। लेकिन 6 माह के लिए आपको दुनियादारी से अलग होना भी जरूरी है। जब हमारी नाक के दोनों स्वर चलते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। इस सक्रियता से ही सिक्स्थ सेंस जागृत होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।